अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आघाड़ी लाच देतो आणि प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकरांनाच महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री करतो, याला पर्याय नाही। तुम्ही कायम आमची किंमत नोटांमध्ये केलेली आहे, पण लबाडानो तुम्ही किती पैसे खाताय त्याला काही हिशोब आहे का? अंकल हितायत नाही तेवढा प्रचंड पैसा। बोनस गोष्टी सांगतो, शेतकऱ्याला आम्ही आत्महत्या करू देणार नाही। वंचित बहुजन आघाडीचं सरकार आलं तर एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची व्यवस्था आमचं सरकार करेल, एकही नाही मरणार। आमच्या भटक्या जमातीतला आदिवासी समाजातला आत्महत्या करतो का कुणी? आम्हाला तर खायला आलं नसतंय तरी सुद्धा आम्ही मरत नाही, आणि शेतकरी मात्र मरतोय। त्याला जगवला तर देश जगेल। शेतकऱ्याला आपल्याला जगवायचंय, कामगाराला आपल्याला जगवायचंय, पोरांच्या तरुण हाताला काम द्यायचंय, त्यांना फुकट शिक्षण द्यायचंय। खूप कार्यक्रम आहेत, पण वेळ झालाय, तुमची ऐकण्याची मनस्थिती नाही, त्याच्यामुळे मी थांबतो। मी पुन्हा एकदा सांगतो की बाबासाहेबांच्या लेकरांनी आता ही प्रतिज्ञा करायची आहे की वाटेल ते झालं तरी हरकत नाही, जर तुमच्या आणि माझा बाप बाबासाहेब आंबेडकर असतील असं आपण म्हणत असो तर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला चालतात, त्यांचा नातू सुद्धा चालला पाहिजे, आणि त्यांचा नातू महाराष्ट्राच्या प्रमुख पदावरती बसला पाहिजे। आमचा कुटुंब प्रमुख आमच्यातला असला तर आमच्या वाट्याला काहीतरी येईल, आमचा कुटुंब प्रमुख वरच्या समाजातला असला तर आमच्यापर्यंत काही येत नाही, हा इतिहास आहे। त्याच्यामुळे आपला अनुभव आहे की दुसऱ्याची घरं भरण्याचा धंदा बंद, आपल्याला आपलं घर कसं चालवायचं याची चिंता आहे, आणि ही चिंता जर आपल्याला नीटपणे पार पाडायची असली तर वाढपे आपला असला पाहिजे, स्वयंपाकी आपला असला पाहिजे। आता आपल्याला वाढपी आणि स्वयंपाकी सारे बदलायचे, सारी भट हाकून द्यायची आहेत, आणि बाळासाहेबांच्या हातामध्ये तिजोरीच्या किल्ल्या द्यायच्या आहेत। हे काम केवळ बोलून होत नाही, सगळे मोह बाजूला ठेवून हे मित्रांनो आपल्याला करायचं आहे। सर्व पातळ्यांवरती ही लढाई आता चालू होईल। मला माध्यमांना एवढंच सांगायचंय की जरा कॅमेरा मागं पण जाऊ द्या ना। जे लोक हालसताना सांगत होते की नाही रे कुठं माणसं जमतात, त्यांना दिसलं पाहिजे ही लाखो माणसं उन्हामध्ये भर उन्हामध्ये बसलेली आहेत सकाळी 11 वाजल्यापासून। त्यात ही चित्र जरा महाराष्ट्राला दाखवा एवढं सांगतो आणि थांबतो। जयवीम जयवीम। धन्यवाद सर। यानंतर मी विनंती करत आहे माझे आमदार माननीय हरिभाऊ भदे यांना आपण आपले विचार व्यक्त करावे। मित्रांनो, मला बोलण्याची संधी या ठिकाणी दिली, परंतु मी माझा वेळ आपले जे दोन्ही नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचे तुम्हाला विचार ऐकायचे आहे। माझा संपूर्ण वेळ आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आणि बॅरिस्टर ओवीसी साहेबांना मी या ठिकाणी देत आहे। धन्यवाद सर। यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, शेर खुद नहीं कहता कि वो शेर है, शेर खुद नहीं कहता कि वो शेर है, वह साबित करता है कि वह एक शेर है। शेर हिंदुस्तान कहकर जिन्हें नवाजा जाता है, एमआईएम के अध्यक्ष माननीय खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको दरखास्त है कि आप सभी को संबोधित करें। रहीम, नमस्कार, सलाम अलैकुम।
वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर मोहतरम जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब डाइस पर बैठे हुए तमाम मौजूद हाजीन इकराम तमाम दलित और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान बुजुर्गाने मिलत मेरे नौजवान साथियों मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी सब्र के साथ इतनी देर से आराम से बैठकर तमाम लीडर्स की जिम्मेदार की आपने उनकी बातें सुनी। मैं आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की ताईद क्यों कर रही है और क्यों जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ दे रही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में खास तौर से अगर कोई समाज पिछड़ा है, अगर कोई समाज सतह गुरबत से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अगर सबसे ज्यादा गरीब किसी समाज में है, अगर सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है, सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा हुकूमत की तासुबाना रवैये की बुनियाद पर अगर कोई जेलों में अपनी जिंदगी सड़ रही है, तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि वो तमाम के तमाम वंचित बहुजन समाज के लोग हैं। और मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में चाहे दलित समाज हो, मुसलमान हो या फिर कोई धोबी समाज का हो या कोई नई समाज का हो या कोई दर्जी हो, शिम्पी हो, लोहार हो, वड्डर हो, कुडमुडी जोशी हो, अत्तार हो, तकुनकार हो, ये तमाम के तमाम उन पार्टीज के जुल्म का शिकार है जिन्होंने हुकूमत तो की महाराष्ट्र में मगर इन समाज से कभी इंसाफ नहीं किया। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे भाई जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को कि आपने एक बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे लिया है और मैं जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को इस बात का तहखुन देता हूं, इस बात का इश्योरेंस देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में आप जहां कहीं भी जाएंगे एमआईएम पार्टी आपके पीछे खड़े होगी, आपसे खंधे से खंधा मिलाकर हम खड़े होकर ये जो गरीब और मजलूम आवाम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हुकूमत चाहे किसी की हो मगर इंसाफ मिलेगा मजलूमों को। ये जो बहुजन और हमारे तमाम लोग यहां पर जमा है, वंचित बहुजन समाज के लोग यहां पर जो जमा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये अलायंस है अलायंस ऑफ ऑपरेशन, ये अलायंस है अलायंस ऑफ ऑपरेशन,
ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है, ये सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है, ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है और मजलूम तमाम यहां पर जमा है और जमा होकर महाराष्ट्र के जालिमों को सवाल कर रहे हैं और औरंगाबाद की इस तारीखी सरजमीन से महाराष्ट्र के मजलूमीन जालिमीन को एक पैगाम दे रहे हैं कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, अब जालिम के जुल्म को खत्म करने का वक्त आया है और मजलूम को इख्तदार मिलना जरूरी है। मेरे भाई जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, ओबीसी को जमा करें, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, ओबीसी हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते सुनिए सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे? संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था, जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था, उसी को तालीम एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था, जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल हकीकत है, जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस तनारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ? जब संविधान आया तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे?
क्या तुम कामयाब हो गए तो फिर तय कर लो अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बरपा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगर होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा नहीं होगा तो बराबर होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया, ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया, ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों में तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अंबेडकर को? कांग्रेस ने, नेहरू गांधी परिवार ने, किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था बंगाल के, मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा बाबा साहेब ये महाराष्ट्र के आला साहब के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए, बंगाल का मुसलमान आपको अपने खंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। और आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गयूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शौर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर और उनके तमाम साथियों को पार्लियामेंट नहीं भिजा सकते? भिजाना है और इंशाल्लाह हम भिजाकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज से अर्ज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए, अंबेडकर बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो दाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है
कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले, मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दें। ये काम बाबा साहिब अंबेडकर ने किया और हिंदुस्तान का संविधान जिसको आज बचाने की बात महाराष्ट्र के एक सियासी पार्टी के साहिब कर रहे हैं, साहिब आप क्या बचाएंगे संविधान को? आप तो अपने भतीजे को डूबने से बचाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। अरे जो खुद डूब रहा है वो संविधान को क्या बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मर मिटने को तैयार है। और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अंबेडकर के पैगाम को समझते, संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले सुनो। बाबा साहिब अंबेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें चार चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जुद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम, तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला, मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं, मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे, हमको दबा रहे। अंबेडकर साहब ने कहा आजादी, ये किसने कहा सुनिए, नहीं 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 सुनिए, आजादी टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ इसके ऊपर, ये भी एंटी नेशनल हो गया, हो गया, मैं पैदा होते ही हो गया, आप क्या देते तुम मेरे को? क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना, तो तारीख के मुकामात को जाकर देख लो, हिंदुस्तान के कब्रस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है, क्या इक्वालिटी है, क्या मसावात है? कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अंबेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है
कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे तो पैदा करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अंबेडकर ने कही, जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अघाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं। वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब, ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई सा ठहर जाओ ना, मौलाना, हाँ इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज, अरे छोड़ दिए, हाँ बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ, इतना लंबा आदमी है नहीं दिखता हूं, बैठो, हरी टी शर्ट बैठो। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साहिब की पार्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे कल से, वोट काट रहे। मेरे भाई, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में हमको वोट डालने का इख्तियार दिया, वोट। और बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान दलितों से, मुसलमानों से, बहुजनों से, वंचित समाज के लोगों से अंबेडकर ने कहा वोट डालो। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर नेहरू परिवार को वोट डालो, तुम मोदी को वोट डालो, फडणवीस को वोट डालो, साहिब को वोट डालो। अंबेडकर साहिब ने दस्तूर में, संविधान में वोट डालने का अख्तियार इसलिए दिया कि तुम अपने आप को वोट डालो, पहले तुम अपने आप को वोट डालो। बाबा साहिब अंबेडकर ने वोट का अख्तियार दिया, किसने बाबा साहिब अंबेडकर को 1952 में पहला इलेक्शन हराया? दलित ने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को। ये हमेशा लड़ाते हमको, आप एक हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। किसने रोया था बाबा साहिब अंबेडकर को? क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, तो बाबा साहिब अंबेडकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाकर? और आज कांग्रेस पार्टी फोटो लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी कहती है वोट काटने आए। मेरे भाई, संविधान ने हमको आलात दिए, टूल्स दिए, संविधान ने हमको टूल दिया है, अपने हथियार दिया है वोट का। अगर ये पूरा बहुजन वंचित समाज एक हो जाएगा और ये नाम निहाद आला जात के लोग जो हैं, जो बरसों से अपनी कुर्सियों पर हमारे वोट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, हमारे जज्बात को खत्म करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके हुकूमत कर रहे हैं,
हमारी बहनों को बेवा बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी माओं को उनके गिरेबानों को उजाड़ कर हुकूमत कर रहे हैं। आज वक्त आया है कि बहुजन वंचित समाज के लोग एक होकर, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, आओ एक हो जाओ, वोट अपने आप को डालो। किसको वोट डालेंगे आप? जो आपके आंसुओं को समझ सकता है, जो आपके साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर खाना खाने नहीं आता, जो रोज आपके साथ खाना खाता है, जो रोज तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे सुख दर्द में साथ देता है, मेरे भाई उन लोगों का साथ दो। लोग बोलेंगे, कल टीवी चैनल पर लोग बोलेंगे, प्रकाश अंबेडकर साहिब क्या कर रहे हैं,